नगर निगम दुर्ग के शिक्षा एवं खेल विभाग प्रभारी मनदीप भाटिया के कार्यकाल को लगभग 3.5 साल का समय पूरा हो चुका है। अपने कार्यकाल में कराए गए विभिन्न विकास कार्यों एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों को लेकर उन्होंने ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ खास बातचीत की। आइए देखते हैं मनदीप सिंह भाटिया से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन न्यूज के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दुर्ग नगर निगम के खेल कूद विभाग के प्रभारी मनदीप सिंह भाटिया से। 3.5 साल से अधिक का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतने लंबे कार्यकाल में किस प्रकार की गतिविधियां इनकी रही हैं और कितना विकास कार्य स्कूल या कहीं खेलकूद में इन्होंने किया है। मनदीप जी, पहले तो हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हामिद जी, और बहुत ही खुशी के साथ आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, और हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला है। जैसे कि पूर्व में उनके केंद्रीय मंत्री यहाँ छत्तीसगढ़ में आए थे और कहा था कि 65 सीटें वो यहाँ से लेकर जाएंगे, और जैसे कहा था उसका उल्ट होते हुए जनता ने 15 साल के भ्रष्टाचार को देखते हुए नई आशा की किरण देखी और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 4.5 साल लगभग सरकार को होने जा रहे हैं, और उनके जो कार्य रहे हैं वो तो केंद्र भी उनकी सराहना करती आई है। लगभग 4 नेशनल अवार्ड नगरी निकाय प्रशासन को मिल चुके हैं और निकाय प्रशासन के अंतर्गत कार्य करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। राज्य शासन की किन गतिविधियों को या कहें कार्यों को आप देखते हैं कि जो सबसे बड़े कार्यों में आप विकास कार्यों में गिनती करेंगे? देखिए, जो वेस्टेज होता था, वेस्टेज जिसे कहा जाता था, जैसे कि गोबर है या घुरवा है, या अपनी बाड़ियों को लोग भूल चुके थे, घर में आंगन का प्रचलन बंद हो चुका था, तो नरवा घरवा घुरवा बाड़ी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की महती योजना है, जिसके ही तहत गोबर की खरीदी उन्होंने चालू की, गोबर से पेंट बनाए जाने लगे, गोबर के सिर्फ उपले और गोबर के खंडे के अलावा गोबर पेंट बनाने, गोनाइल बनाने लगे, गोबर के दिए बनाने लगे, तो जो वेस्टेज की चीज़ें हैं जिससे कचरा बढ़ रहा था उस पर रोक लगाते हुए उन्होंने उन चीज़ों को आगे किया। और जैसे कि जानते हैं कि गौ माता की राजनीति हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी करते आई है, तो गौ माता की पूजा अर्चना के अलावा उसे कैसे अपन कार्यों में लाया जा सकता है और कैसे सेवा की जा सकती है। सिर्फ दूध ही नहीं, उनके मरते तक हर एक अंग हमारे काम आता है, यह बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताई। और इसी के साथ ये तो हुई जो आपने गौ माता की रक्षा की बात की है, आप शिक्षा विभाग और खेल विभाग से भी हैं, आपके द्वारा आपके डिपार्टमेंट में किस प्रकार के विकास कार्य हुए? बजट में सुधार कर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतने लगभग 2000 करोड़ के पार स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए जो बजट में राशि रखी, और उसके तहत जो चिट के सहारे, बिना किसी सोर्सेस के चिट के सहारे जो हितग्राहियों का सिलेक्शन किया जाने लगा, उसमें जो गरीबों को फ़ायदा मिला है, जो गरीब सोचता भी नहीं था कि हम किसी दूसरी भाषाओं को सीख पाएंगे, वो आज इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान उन छात्रों से जानकारी लेते आए हैं कि कैसा चल रहा है और कैसा रहा है। और कोई भी यह व्यक्ति नहीं कह सकता कि वो उनके स्कूल के उद्घाटन में या स्कूल में नहीं पहुँचे होंगे, स्वयं टैली करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के पहले सड़कों में उतरता मुख्यमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के हमने नहीं देखा था, आज जो देखा है स्वामी आत्मानंद के माध्यम से गरीब का जो भला हो रहा है, और छत्तीसगढ़ ओलंपिक के माध्यम से जो खेल कूद बंद हो गए थे, बच्चे मोबाइल में घुस गए थे, यह जो मौका हमें प्राप्त हुआ है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। दुर्ग जिला एक मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का भी जिला है, यहाँ पर विकास कार्यों को किस प्रकार से देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी के जिला होने के साथ साथ गृह मंत्री जी का भी जिला होना, और इतने एक्सपीरियंस विधायक जो लगभग 30 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं और उनका परिवार लगभग 50 सालों से हमारे शहर की राजनीति कर रहा है, उनके नेतृत्व में शहर में विकास कार्यों की झड़ी लग चुकी है। आप देखेंगे कि थगड़ा नहर जो बनकर तैयार हो रहा है उसका एक स्वरूप शहर को अलग ही निखारेगा, एक ऐसा स्पॉट जहाँ पर नौका विहार से लेकर खाना पीना घूमना सब की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। उसके साथ साथ गौरव पथ और 128 लगभग 122 करोड़ की शायद राशि से इंदिरा, माफ़ी चाहूँगा आपसे, अंजोरा से लेकर आपका नेहरू नगर तक की जो रोड 2 टुकड़ों में तैयार हो रही है, उनके चौड़ीकरण से लेकर निकासी की खास व्यवस्था का ध्यान दिया गया है, क्योंकि शहर की बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से जिस हिसाब से
उपयोग किया जा रहा है सड़कों का, उसके हिसाब से सड़कों को तैयार किया जा रहा है। लगभग आने वाले 15 सालों तक हमें ट्रैफिक की समस्याओं का कम ही सामना करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। मनदीप जी, आपकी खुद जहाँ तक मेरी जानकारी तीसरी पीढ़ी है ये बतौर सक्रिय राजनीति, किस प्रकार का माहौल रहता है और कैसे आपको प्रेरणा मिली? काफ़ी आप पहले ही चुनाव में एक MIC सदस्य बन के आए हैं। मैं इसके लिए माननीय महापौर जी का और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काबिल मुझे समझा, या मेरे परिवार का इतिहास शायद इस तरीके से होगा कि उन्होंने समझा कि मेरिन काउंसिल में मुझे चयनित करना चाहिए। तो उनके लिए मैं बहुत बहुत माननीय विधायक जी और महापौर जी का आभारी हूँ। साथ ही जहाँ तक तीसरी पीढ़ी की बात हो, तो मैंने कभी अपने दादा को देखा नहीं है। जब मैं हुआ, मतलब जन्म लिया था जब मैंने, तो मेरी उम्र से 8 साल पहले ही वो यहाँ से दुनिया छोड़कर जा चुके थे। लेकिन ईश्वर और इस शहर की जो परंपरा रही है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि लोग हमें इस तक जानते हैं कि उन्होंने जो काम किए लोग जानते हैं। और उसी के साथ मेरे पिताजी को भी मेरे जन्म के साथ साथ ही मौका मिला था, तो उनका भी कार्यकाल मैंने नहीं देखा है, लेकिन जिस तरीके से लोग उनके विषय में बात करते हैं और उनके बारे में बात करते हैं, तो हमेशा मन में एक होड़ सी लगी रहती है कि उतने अच्छे कार्य तो हम शायद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नहीं पता, क्योंकि स्वाक का आकलन करना मेरे बस में नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि मैं कुछ ऐसा काम करूं और भ्रष्टाचार में लीन ना रहूं और अपने परिवार के नाम में किसी तरीके का दाग ना लगाऊं, और इसी को सोचकर मैं आगे बढ़ता हूं और काम करता हूं। बतौर पार्षद आप पहली बार पार्षद रहे, अपने वार्ड की समस्याओं को जनता के बीच जाके आपने किस प्रकार की कोई बड़ी समस्या को आपने जो निपटाया हो? लगभग चुनाव के समय में पार्षद एक ऐसा पद होता है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ा होता है, उनके सुख दुख से लेकर उनके हर छोटी बड़ी खुशियों में शामिल होना हमारा कर्तव्य रहता है। इसके साथ ही वार्ड में जो मूलभूत विकास रहते हैं उन पर खास तरीके की चर्चा वार्ड विकास समिति के द्वारा हमेशा की जाती है। तो सबसे पहले तो हमने वार्ड विकास समिति का गठन किया जो हमारे अधिकार स्वरूप था, और उस समिति से ही निर्णय लिए जाने लगे कि वार्ड में कौन से विकास कार्य करने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे देखने का तरीका वार्ड को कुछ अलग होता है और सभी के देखने का तरीका अलग होता है। इस तरीके से हम लोग समिति के निर्णयों में यह देखा गया कि सन 72 से बनी एक टंकी थी, पानी टंकी, ये शिक्षक नगर पानी टंकी के नाम से जाना जाता है, जो 900 KL की है, वो इतनी जर्जर हो चुकी है कि सन 2003-04 में उसे PHE के द्वारा ध्वस्त घोषित किया गया है कि उसे गिराना है और इसका पानी पीने लायक नहीं है, यह दूषित पानी है, दूषित पानी की कैटेगरी में उसका पानी आया। मेरे संज्ञान में जैसे ये बात आई तो हम लोगों ने अब घोषणा कर दी थी कि कोशिश की जाएगी कि इस पानी टंकी को नया बनाया जाए। तो यह बड़े गौरव की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी के संज्ञान में तुरंत ये बात को लेकर आए हम लोग, और उन्होंने त्वरित कदम लेते हुए हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से स्वयं मुलाकात की। और सबसे पहले तो माननीय जल प्रभारी जी जो संजय कोले जी हैं, उन्होंने बहुत मदद की इन कार्यों में कि कैसे पराकलन बनाए जाते हैं, कैसे उनको पारित कराया जाता है, या कैसे राज्य शासन को भेजे जाते हैं राजकीय स्वीकृति के लिए और बजट में शामिल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं भाजपा की गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा, चाहे वो पूर्व में स्थित यहाँ पर नगर निगम की गवर्नमेंट हो, चाहे दूसरी केंद्र में स्थित हो, लगभग 20 सालों से दूषित पानी लगभग 5 वार्डों के लोग पीते आ रहे थे, और अमृत जल मिशन की 151 या 154 करोड़ की जो योजना थी उसके तहत क्यों उस टंकी को शामिल नहीं किया गया? क्या वो नहीं देख पा रहे थे कि दूषित पानी वो वार्ड पी रहे हैं? या ऐसे भी टंकियाँ बनी हैं जिनका पानी पीने योग्य अगले 6-7 साल तक था, लेकिन उनको स्वाइप करके क्या वो ये टंकी नहीं बना सकते थे? जिस वार्ड में टंकी है वहाँ पे भी भाजपा के MIC सदस्य शामिल थे, उन्होंने भी ये ध्यान नहीं दिया। तो ये बड़ा आश्चर्य होता है कि वोट की राजनीति में लोग इतना लीन हो जाते हैं कि लोगों की मूलभूत समस्याओं का भी ध्यान नहीं रख पाते। तो इसके लिए बड़ा गौरवशाली हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमने ये बात को दिया, और त्वरित स्वीकृति उन्होंने मौखिक स्वीकृति तो दी ही दी, और साथ में त्वरित स्वीकृति प्रदान करते हुए लगभग 15 KL की 1500 KL की टंकी अब नई बनकर तैयार होनी है, जिसकी घोषणा उन्होंने कर दी है और पराकलन बनकर तैयार हो चुका है, वित्तीय स्वीकृति के लिए जा चुके हैं और जल्दी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। 15 साल तक नगर निगम दुर्ग में भाजपा काबिज रही, किस प्रकार से देखते हैं? 15 साल में भाजपा की सरकार तो धोखे की सरकार मैं मानता हूँ। यह पूर्ण रूपेण मोदी जी की उन बड़ी बड़ी बातों की तरह है कि जो 15 लाख तुम्हारे खाते में आएंगे, पेट्रोल का दाम आधे से भी कम हो जाएगा, 50 रुपये लीटर हो जाएगा, वही भाजपा की सरकार हमारे नगर निगम में भी स्थित रही। देखिए, चौपाटी पूर्ण रूपेण चौपट हो चुकी है, किसी भी तरीके की कार्य योजना भाजपा के शासित नगरीय निकाय में बनाई गई तो उसका बाद में आकलन नहीं किया गया कि उसका रख रखाव कैसे करना है। मेरे जो देखने का तरीका है कि हम अगर घर बनाते हैं, रोड बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, ऑफिस बनाते हैं,
तो साथ में यह भी ध्यान रखते हैं कि उसकी सफाई के लिए किसी को रखें, उसकी पेंटिंग के लिए किसी को रखें। तो बड़ी बड़ी योजनाएं जो इन्होंने बनाई, जो पुष्प वाटिका है उसमें पुष्प मिलेंगे नहीं आपको, चौपाटी है जो पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है, और बाकी 42 एमएलडी प्लांट की बात करें तो 2 मोटर चलती नहीं थी जब हम लोग शासनकाल में आए, तो पानी कहाँ से सप्लाई होगा। टंकियाँ इन्होंने बनाई, पानी की सप्लाई नदी से उतनी ही है, लेकिन टंकियाँ बढ़ा दी, सप्लाई कैसे होगी आप बताइए। 1 लीटर पानी आपको अगर मिलता हो और आपको 2 आधे आधे हिस्सों में उसको बांटना हो, तो दोनों तरीके से आप कैसे सप्लाई कर पाएंगे। तो ना पुरानी टंकी ठीक से चला पा रहे हैं, ना नई टंकी ठीक से चला पा रहे हैं। तो पूर्ण रूपेण अमृत जल मिशन में जो हमारे पूर्व प्रभारी रहे या पूर्व महापौर रहे, उसमें पूरी तरीके से ध्यान में उन्होंने संज्ञान में नहीं लिया है प्रोजेक्ट को, और सीधा सीधा पीएचई के हवाले सौंप के बस नगर निगम को कार्य करने की एक शैली बनाई। शायद वो निगम को इतना सक्षम समझते ही नहीं थे, और यह कार्य हमने कर दिखाया। लगभग 5% कार्य जो पूर्ण था उसे 85% की भी ग्रेड से आगे लेकर जाना, ये बहुत बड़ी शायद हमारे कार्यकाल की उपलब्धि मैं मानता हूँ। एक शहर में साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाए रखना नगर निगम का एक बहुत एक अहम हिस्सा होता है। पिछले 3-3.5 सालों में किस प्रकार साफ सफाई व्यवस्था को आप देखते हैं अपने शहर में? मैं क्या देखता हूँ इस बात को तो केंद्र सरकार ने सराहा है। जो भारत के 87वें नंबर पर शहर था वो उसको उठाकर 17वें नंबर हम लेकर आए हैं, ODF++ की रैंकिंग में लेकर आए हैं। क्योंकि कचरे के निष्पादन कार्य से लेकर कचरे को कलेक्ट करना, गीला सूखे कचरे को अलग करना, साथ ही सरकारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में भी फाइनिंग की कार्रवाई की गई, दूसरे विभागों में भी फाइनिंग की कार्रवाई की गई कि आप अपने विभागों को साफ सुथरा रखिए ताकि हमारा शहर स्वच्छ एवं सुंदर दिख सके। एक आखिरी सवाल, विपक्ष बतौर विपक्ष भाजपा समय समय पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाती आई है, किस प्रकार से देखते हैं उन आरोपों को? देखिए, विपक्ष के पास तो मुद्दे रह नहीं गए हैं, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्य हों, चाहे हमारे दुरुक्ष विधायक के कार्य हों, चाहे किसी भी विभाग की आप चर्चा कर लीजिए, मुद्दे कहाँ बचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7वां वेतन लागू कर दिया छत्तीसगढ़ में, 27% संविदा कर्मी की आपने वेतन बढ़ा दिया उन्होंने, बेसिक वेतन। माननीय पार्षद महोदयों का मानदेय को बढ़ाकर डबल कर दिया उन्होंने, कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया, 2000 रुपये मितानिन लोगों का वेतन बढ़ा दिया, और वेतन के साथ साथ केंद्र ने लगभग गोबर खरीदी से लेकर हर कार्य को सराहते आई है। तो ये हम नहीं तारीफ़ कर रहे हैं, ये केंद्र तारीफ़ कर रहे हैं कि राज्य चलाना हो तो देश का एक ही मॉडल है, वो छत्तीसगढ़ मॉडल। हमारे इस कार्यक्रम में आके हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अमित जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे मनदीप सिंह भाटिया, खेल कूद विभाग के प्रभारी हैं नगर निगम दुर्ग के। आने वाले समय में और भी MIC प्रभारियों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। बने रहेंगे ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।